व्हाट इज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो इनोवेटिव जो है उसका हिंदी में मीनिंग होता है नवीन या नव परिवर्तन, यानी कुछ नया या फिर कुछ नया परिवर्तन कर देना। जैसे जब कोई बहुत एडवांस सोचता है, कुछ नया क्रिएट करता है, तो या फिर किसी चीज़ में कोई नया परिवर्तन ला देता है कि किसी चीज़ को चेंज करके और उसमें कुछ एडवांस कर देना या फिर कुछ नया कर देना, क्रिएट कर देना, उसे इनोवेटिव बोला जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि उसका माइंड जो है वो बहुत इनोवेटिव है या उसका आइडिया बहुत इनोवेटिव है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई बड़ा भी हो सकता है, अलग टाइप की साइकिल बनाता है या फिर कोई बाइक बनाता है। जैसे हम लोग सुनते भी हैं कि किसी ने कुछ एडवांस किया है साइकिल में, बच्चे ने या फिर किसी ने भी। और टेक्निकल माइंड में अगर कोई है जो कि कोई वेबसाइट में कुछ अलग क्रिएट कर देता है, तो इस तरह से जिसका हटके माइंड होता है, कुछ एडवांस माइंड होता है, कुछ अलग क्रिएट करने की जो इच्छा रखता है, उसी को इनोवेटिव बोला जाता है। अगर कोई अच्छा आइडिया देता है तो उसे हम लोग इनोवेटिव आइडिया बोल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनोवेटिव के बारे में जान पाए होंगे। थैंक यू।